रीवा से मुंबई तक ट्रेन चलाने की मांग करीब एक दशक से की जा रही थी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने भी प्रयास किए, लेकिन लंबे इंतजार के बाद सफलता हासिल हुई है। पश्चिम मध्य रेलवे ने आज से रीवा मुंबई के बीच साप्ताहिक रेल सेवा प्रारंभ कर दी है। यह अभी प्रयोग के तौर पर 28 अप्रैल से 30 जून तक चलेगी। इसके बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि यदि साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन को इस दौरान ठीक ठाक यात्री मिल गए तो ट्रेन की अवधि में विस्तार कर नियमित भी किया जा सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों, रीवा से मुंबई समर स्पेशल जो ट्रेन चलाई जा रही है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहें आप हमारे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार द्विवेदी और अपने इस बिंद हृदय यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह जब भी हमारे चैनल द्वारा वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रेलवे 28 अप्रैल से 30 जून तक रीवा से मुंबई के बीच 10-10 फेरे की ट्रेन चलाएगा। मुंबई हावड़ा रूट पर ट्रेनों में भारी वेटिंग को देखते हुए रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और रीवा के बीच वीकली सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन रीवा स्टेशन से प्रारंभ होकर सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाड़रवाला, पिपरिया, इटारसी एवं हरदा स्टेशनों से होकर मुंबई की ओर जाएगी। इस ट्रेन में दोस्तों एसी फर्स्ट में 10 बर्थ, एसी टू में 66 बर्थ, एसी थ्री में 192 बर्थ व स्लीपर में 576 बर्थ सहित कुल 844 बर्थ की सुविधा मिलेगी। 21 कोच की ट्रेन में 6 डिब्बे सामान्य श्रेणी के भी उपलब्ध रहेंगे। ट्रेन 02187 रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस प्रत्येक गुरुवार को रीवा से शाम 4 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन दोपहर 12:20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुँचेगी। वापसी में ट्रेन 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रीवा प्रत्येक शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दोपहर 1:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:55 बजे रीवा स्टेशन पहुंचेगी। देश की आर्थिक राजधानी में बड़ी संख्या में विंध्य के लोग काम कर रहे हैं। रीवा से मुंबई तक सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण यात्रियों को बिहार व आंध्र प्रदेश से जाने वाली ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है। संभागीय मुख्यालय रीवा से मुंबई के लिए नियमित ट्रेन चलाने की मांग बहुत पुरानी है। रीवा मुंबई के बीच चलाई जाने वाली यह दूसरी सीधी यात्री गाड़ी होगी। इसके पहले जनवरी 2020 में रेलवे ने एक एक ट्रिप के लिए गाड़ी चलाई थी। हालांकि सतना जंक्शन से मुंबई के लिए मौजूदा समय में कई यात्री गाड़ी उपलब्ध है। बताया गया कि रीवा मुंबई नियमित ट्रेन की मांग पश्चिम मध्य रेलवे से की जाती रही है, लेकिन रेलवे को मुंबई टर्मिनस से संचालन का समय व मेंटेनेंस नहीं मिलने के कारण गाड़ी संचालित नहीं हो पाई है, जबकि ट्रेन संचालित करने के लिए लगातार विंध्य के सांसद दबाव बना रहे थे। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी रीवा से मुंबई तक ट्रेन चलाने के लिए राज्यसभा में मांग उठाई थी। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड की बैठकों में भी सुझाव दिए थे, जिसके चलते रेलवे ने उन्हें ये पत्र लिखकर कहा है कि आपके सुझाव के मुताबिक रीवा से मुंबई के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाई जा रही है। ये आप पत्र देख सकते हैं जिसमें रेलवे ने विवेक तन्खा के लिए ये पत्र लिखा है। रीवा के सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा ने इस ट्रेन के बारे में कहा कि रीवा से मुंबई ट्रेन चलाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मेरा प्रयास वर्षों से जारी था, तकनीकी कारणों से अब तक विलंब हुआ। मुंबई तक ट्रेन सेवा शुरू होने से व्यापार, पर्यटन एवं स्वास्थ्य सेवा की राह आसान होगी। इसे नियमित कराने का प्रयास जारी रहेगा। दोस्तों, अगर ये ट्रेन नियमित हो जाती है तो निश्चित तौर पर विंध्य के लोगों को बहुत ही आसानी होगी और मुंबई आने जाने के लिए यात्रा और सुगम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह जब भी हमारे चैनल द्वारा वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।